जब किसी लड़की को 10 वर्ष की उम्र से पहले मासिक धर्म आता है तो उसे ब्लैंक कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यौवनारंभ, सेकंड यौवनारंभ मेनोरेजिया, थर्ड है प्रिकॉशियस यौवनारंभ एंड फोर्थ है थलार्चे। क्या आएगा इसका राइट आंसर? यूपीपीएससी आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स, आपका पेपर 22 मार्च 2024 को होने वाला है, लेकिन आपके विभाग ने एक टॉपिक सेट किया हुआ है, प्रसूति विज्ञान और बाल रोग। यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मॉक पेपर के जरिए। ये वही क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी स्टेट के एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपके उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर आपको सारे ही वीडियो कोर्स चाहिए टॉपिक वाइज, एक्सपर्ट्स के अंडर थ्योरेटिकल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और साथ साथ में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस पेपर सेट मिल रहा है, जो भी आपके विभाग ने टॉपिक सेट किए हुए हैं, यह सारा एनालाइज्ड चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है व्हाट्सएप कर लीजिए और कंप्लीट कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी मौका है, और ये मौका अगर हाथ से गया तो बहुत कुछ हाथ से जा सकता है, क्योंकि पहली बार आपके स्टेट में ये एग्जाम आयुर्वेदा स्टाफ नर्स का होने वाला है, तो ये मौका जाने मत देना। जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप करिए और कोर्स ज्वाइन करिए, और अभी क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो डियर एस्पिरेंट्स। इसमें हम जो है उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स से रिलेटेड के एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपका क्वेश्चन है, कॉप्स लिथियम चक्कर के ब्लैंक दिन पर प्रतिगमन प्रारंभ करता है। ऑप्शन फर्स्ट है 29 to 30 days, सेकेंड 22 to 23 days, 24 to 25 days एंड ऑप्शन फोर्थ है 25 to 26 days। तो कितने दिन पर जो है ये प्रतिगमन प्रारंभ करता है? अगर आपने इसका आंसर सोचा सेकंड, बिल्कुल आंसर सही है 22 से 23 दिन। कॉप्स ल्यूटियम चक्कर के 22 से 23 दिन पर प्रतिगमन प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, जब किसी लड़की को 10 वर्ष की उम्र से पहले मासिक धर्म आता है तो उसे ब्लैंक कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यौवनारंभ, सेकंड यौवनारंभ मेनोरेजिया, थर्ड है प्रिकॉशियस यौवनारंभ एंड फोर्थ है थलार्चे। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है थर्ड, प्रिकॉशियस यौवनारंभ। जब किसी लड़की को जो है वो 10 वर्ष की उम्र से पहले मासिक धर्म आता है तो उसे प्रिकॉशियस यौवनारंभ यानी कि काल पूर्व यौवनारंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रोएडर रोग ब्लैंक रोग का पर्याय है। ऑप्शन फर्स्ट है मेनोरेजिया, सेकंड है ऑलिगोमेनोरिया, फोर्थ है पॉलीमेनोरिया एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया। इसका जो है वो क्या है राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन फोर, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया। श्रोएडर रोग जो है वो सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया रोग का पर्याय है। अगला प्रश्न है, प्रीमेच्योर यानी कि काल पूर्व डिंब ग्रंथि अपर्याप्तता को परिभाषित किया जाता है जब डिंब ग्रंथि विफलता ब्लैंक वर्ष की आयु से पहले होती है। ऑप्शन है आपके पास 35, 40, 50 एंड 30। लगाइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज, कितना अभी तक आपको आता है, आपकी तैयारी किस लेवल से है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन सेकंड 40, तो बिल्कुल सही है। प्रीमेच्योर डिंब ग्रंथि अपर्याप्तता को परिभाषित किया जाता है जब डिंब ग्रंथि विफलता 40 वर्ष की आयु से पहले होती है। अगला प्रश्न है, रूबीन परीक्षण का उपयोग वंध्या रोग में ब्लैंक की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ओव्यूलेशन, सेकेंड है ट्यूबल पेटेंसी, एंडोमेट्रियल डेटिंग एंड ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, रूबिन परीक्षण का उपयोग वंध्या रोग में ट्यूबल पेटेंसी की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेमिनल द्रव में फ्रुक्टोज कंटेंट की अनुपस्थित ब्लैंक को इंगित करती है।
फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात सेमिनल वेसिकल की अनुपस्थिति, सेकंड वृषण क्रियानाश, थर्ड पिट्यूटरी एडिनोमा, फोर्थ है लेडिंग सेल डिसफंक्शन। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? अगर आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सोचा है, बिल्कुल वेल डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेमिनल द्रव में फ्रुक्टोज कंटेंट की अनुपस्थिति जन्मजात सेमिनल वेसिकल की अनुपस्थिति को इंगित करती है। अगला प्रश्न है अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी के मुलेरियन अनामलेज के वर्गीकरण के अनुसार यूट्रिस डेड डिल्फिस ब्लैंक के अंतर्गत आता है। क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 3 किसके अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन आपका फोर्थ, क्लास 3 के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है सैमसन सिद्धांत एंडोमेट्रियोसिस में ब्लैंक संबंध है। ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं सिलोमिक मेटाप्लासिया, लिम्फाटिक डायरेक्ट इम्प्लांटेशन एंड रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचा है ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल सही है। सैमसन सिद्धांत एंडो मेट्रियोसिस में रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से संबंध है। अगला प्रश्न है हिस्ट्रेक्टोमी विद बाइलेटरल ओवरेक्टोमी को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, ऑप्शन सेकंड है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी, पान हिस्टेरेक्टोमी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी। तो इसका जो है वो क्या आएगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर जो सोचा है ऑप्शन थर्ड पान हिस्टेरेक्टोमी, बिल्कुल सही है। हिस्टेरेक्टोमी विद बाइलेटरल ओवरेक्टोमी को पान हिस्टेरेक्टोमी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्रायो सर्जरी में प्रॉप टिप को ब्लैंक डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन फोर्थ 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोचा ऑप्शन फर्स्ट 60 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है। क्रायो सर्जरी में प्रॉप टिप को 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जो है वो ठंडा किया जाता है। ये थे हमारे आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए जो है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर आप अदर और भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं। सिंपली हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नॉमिनल फी चार्जेस रहते हैं, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। लाइव क्लासेस का डेली आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलता है, MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।